अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नवीन जान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू। और आज जो मैंने जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में जिनको मदद किया है उनकी मैं भी फैन हूँ, वो मेरे भी फैन हैं, बहुत पुराने हम दोस्त भी हैं, हम सबके बहुत फेवरेट हैं। उनकी जितनी मैं तारीफ करूंगी वो इस वक्त कम भी होगी और जायज भी नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे हरफन मौला इंसान की क्या तारीफ की जाए। आप उनको ड्रामों में ढूंढेंगे तो वहां मिलेंगे, फिल्मों में ढूंढेंगे तो वहां मिलेंगे, और उन्होंने इतना काम किया है अब तक कि मुझे उनसे खुद पूछना पड़ेगा कि आखिर उनको कितने साल हो गए हैं जिस तरीके से उन्होंने फनकारी की है, जो एक्टिंग की है। हम फिल्मों में जाते हैं तो देखने जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं ना कि भाई जी इस फिल्म का हीरो कौन है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हीरो के भी हीरो है, मतलब हीरो के बाप है। जी हाँ, मैं आपका तारुफ कराने जा रही हूँ नैया एजाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहली बात तो ये कि बड़ी खुशी हुई अपने दोस्त को देख के। अल्लाह मियाँ आपको बेपनाह कामयाबियां दे, हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसी खुशी रखे। आप ये बताइए कि इस वक्त तो आप फिर मुझे लग रहा है कि किसी सेट पे मौजूद हैं और कहीं पे शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो आपकी मूवी मौला जट को पजीराई हासिल हो रही है पूरी दुनिया में और इतना ज्यादा बिजनेस पे बिजनेस वो कर रही है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 10 दिनों में 100 करोड़, पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली फिल्म है जिसने सिर्फ 10 दिनों में 100 करोड़ किया, और उसको जितना यूरोप में पसंद किया जा रहा है, हमारे सिख बरादरी जितने बहन भाई हैं उन्होंने हमारी फिल्म को पसंद किया, ताड़ा सारे का बड़ा बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी। ये आपने उनको भी पैगाम दे दिया जो इस वक्त टोरंटो में भी आपकी मूवी जा जाके देख रहे हैं, और सारे ज्यादातर सिनेमा घर जो हैं वो फुल हैं, मतलब कि आपको नहीं मिल रहा कि कौन सा शो टाइम जो है वो अवेल किया जाए। ये बताइएगा कि जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था, पहले तो हम काफी प्रोग्राम्स में सुन चुके हैं कि क्यों और क्या रीजन से जिसकी वजह से इतने साल लग गए थे इस मौला जट मूवी को रिलीज होने में, लेकिन जब आपको ये कैरेक्टर ऑफर हुआ जग्गू का, उस वक्त आपने क्या सोचा, फौरन कर लिया जाए या रुका जाए? जी मैं उन दिनों में काफी मसरूफ था, 3-4 काम मैं कर रहा था, तो बिलाल साहब ने जब मुझे कास्ट करना चाहा तो 3 माह मेरा इंतजार किया। मैं जब 3 माह बाद गया तो मैं काफी कॉन्शियस था कि चूंकि मौला जट मैंने देखी हुई थी तो मैं हैरान था कि कौन सा रोल मुझसे कराएंगे। तो उन्होंने कहा सर कि हमने कुछ नई चीजें नए रोल इसमें क्रिएट किए हुए, उनमें से एक आपका है, आप आए, जब आप आएंगे तो फिर मैं आपको सारा कुछ सुनाऊंगा। मैं गया, रोल सुना, गेटअप किया, तो मैं 3 सीक्वेंसेस के लिए था, 2 ढाबे के और 1 वाइंडअप में जब मैं आके उसको कहता हूँ कि तगड़ा आ जा मौला। तो वो जब मैंने पहला ही सीन किया तो उसने कहा सर आप मुझे कुछ टाइम दें, ये तो अब आपका हमने सारा कैरेक्टर बनाना है। तो उसके बाद उन्होंने फिर सारा बनाया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया। वो एक परफेक्शनिस्ट है, वो हर चीज को परफेक्शन के साथ करना चाहता है, और उसने किया, और अल्लाह ताला ने उतनी ही अच्छी पजीराई और उसको इज्जत भी अता फरमाई। ये बताइए कि इतनी सुपर डुपर हिट थी जो ये 80s में जब रिलीज हुई थी पहली बार जो बनी थी, उस फिल्म में और इस फिल्म में काफी फर्क लोगों ने महसूस किया है, और अगर मैं क्रिटिक्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा ये कहा गया कि बैलेंस बहुत था स्टोरी में, वो मूवी नहीं थी, डायलॉग्स बहुत कम थे। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जो बात एक्सप्रेशन से आप कह सकते हैं वो डायलॉग से इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। तो ये मेरा अपना भी था कि यार कम डायलॉग होंगे तो मैं एक्सप्रेशन से अपनी चीज बयान कर सकता हूँ। और पहली दफा नवीन जी ऐसा हुआ कि मैंने इतना काम किया तो जब मैं स्क्रीन पे मैंने अपने आप को देखा, आप यकीन करें कि मैंने एक वीवर की तरह देखा, तो मैंने अपने आप को नहीं पहचाना कि यार ये मैं हूँ। वो चीजें इतनी अच्छी स्क्रीन पे लग रही थी तो मैंने कहा बस ठीक है कुछ एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है, मैं कैरेक्टराइजेशन अपने हिसाब से करता हूँ, तो इस वजह से। अच्छा, आपने पहले भी किसी इंटरव्यू में ये बात की है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने तो हजारों की तादाद में कर लिए ना आप तो रोल्स, मगर अभी भी क्या आप इसको समझते हैं कि आप जब भी किसी नए रोल के लिए जाते हैं तो वो आपके लिए एक्सपेरिमेंट होता है या आपके बाएं हाथ का खेल? मैं देखिए मैं एक बड़ा खुशकिस्मत आर्टिस्ट हूँ, पाकिस्तान में मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसके बारे में आइकॉन अखबार डॉन में लिखा गया कि अ मैन विद 1000 फेसेस। तो जब आपको इस तरह के इल्काबात मिल जाते हैं तो फिर आप में एक करेज पैदा होती है,
आपके अंदर एक जुनून सा आ जाता है कि यार जब लोग मुझे इस लेवल पे सराह रहे हैं तो मैं फिर जो भी डिलीवर करूं वो उतना अच्छा करूं कि मेरी नेकनामी बढ़ती जाए। आज भी मैं रोज एक नया एक्टर बन के जाता हूं सेट पे, अपने आप को नया एक्टर समझता हूं, जो किरदार मैंने अपने जहन में बिठाया होता है उसको डिलीवर करने की पूरी कोशिश करता हूं, उसमें अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे देता है। मैं सिर्फ अपने रब से रोज एक चीज मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे काम नहीं आता बरकत डाल दे, वो मेरे काम में बरकत डाल देते हैं बस। बहुत ही साफ सुथरी और नेक नियति के साथ आप अपना काम अंजाम देते हैं, जो कि आपके काम में भी नजर आता है, डिपिक्ट्स इन योर वर्क एज वेल, और जिस तरीके से आपने बात भी की है। आपके पुराने साथियों में से शफकत चीमा साहब का भी एक अहम रोल रहा है इसमें, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से कि अगर वो वाला रोल आपको मिल जाता, क्योंकि मुझे बजायर एज एन ओपिनियन अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे लगा कि शायद वो रोल आपको मिलना चाहिए था। जग्गू का रोल इतना ज्यादा था तो बहुत जबरदस्त, क्योंकि उसका एक सीन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब आप वो उसके होटल में जाते हैं और उसकी लड़की के साथ जो है वो ज्यादती करने वाला जो था, वो वाला रोल जो था वो एक चीज थी। तो मैं ये भी परेशान थी कि जब आपसे बात करूंगी तो पूछूंगी कि आप कैसे कर लेते हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ ये होता है कि ऐसे सीन नवीन जी को आर्टिस्ट जो होता है ना उसके तामून की जरूरत होती है। वो लड़की बेचारी बिल्कुल नई थी और वो घबराई हुई थी, उसने कहा सर ये कैसे होगा। मैंने कहा आपने ना घबराना नहीं है, जब मैं आपके साथ शॉट दे रहा हूँ आपके किसी जिस्म के किसी हिस्से को टच नहीं होगा, सिवाय वो जो एक फॉर्मेलिटी होती है कि जोर आजमाई हो रही है। तो उसको फिर मैंने खुद बताया कि जब मैं इधर ऐसे मुंह रखूंगा और मैं जब मुंह हटाऊंगा तो आप ये एक्सप्रेशन देना कि जैसे मैंने आपकी किस की है, वो रियल में तो ऐसा हुआ ही नहीं है। तो उसने वो उसको समझ के उसने एक्सप्रेशन दे दिया तो वो ज्यादा अच्छा लग गया। को आर्टिस्ट अगर आपके साथ बेहतरीन हेल्प कर रहा है तो फिर तो चीजें आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगी। अगर को आर्टिस्ट घबरा जाएगा और वो चीजें खराब करेगा तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। को आर्टिस्ट पे बड़ा डिपेंड करता है, उसको समझाना, उसको ये समझाना कि आप फिल्म करने आए हैं तो फिल्म में आपको हर तरह के रोल करने पड़ेंगे। ये बताइएगा कि एक तो जबरदस्त रोल्स आप करते ही हैं, आवाज भी आपकी बड़ी खूबसूरत है, कभी गाने की तरफ नहीं आए, कभी मौसीकी से कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इसमें भी एक्सप्लोर किया जाए कुछ? अरे मौसीकी देखे, सबसे पहली बात यह कि जो भी फनकार बनना चाहता है अगर उसको मौसीकी से उसका लेन देन नहीं होगा, अगर उसको मौसीकी की समझ नहीं होगी तो वो फिर आगे बढ़ नहीं सकेगा। बस आवाज अच्छी होने का ये मतलब, मैं इसको बिल्कुल और तरह से लेता हूँ कि अगर आपकी आवाज अच्छी और आपके एक्सप्रेशन नहीं है तो उस आवाज का कोई फायदा नहीं। और गाने का शौक, गाना सुनने का बहुत अच्छा बहुत शौक है, गा भी लेता हूँ, कई गाने मेरे गाए भी हुए। अगर पहली बारी अजून तकिया ने तकिया ए ओजे आ तकिया के हाय मार सटिया हाय मार सटिया पहली बारी अजून। ये मैं आपके लिए गा रहा हूँ जी। जी मेरे दिल का पहुंच चुकी है कहने की आपको जरूरत नहीं थी चले ठीक है। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा रोल जो रह गया हो, इतना बड़ा आपको टाइटल तो दे ही दिया है आवाम ने, A Man with Thousand Faces, ऐसा कोई रोल रह गया है कि आप करना चाहते हो और आपका रह गया हो कि ये कब मिलेगा मुझे ऐसा रोल? बहुत ज्यादा रोल्स ऐसे हैं जो मैं करना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ पे अभी तक क्रिएट नहीं हो रहे, कोशिश खुद ही करता हूँ कि कुछ ना कुछ करता रहूँ। जैसे गॉडफादर का रोल है वो मुझे हमेशा हॉन्ट करता है, जैसे ब्रैड पिट ने ट्रॉय में रोल किया था वो मुझे बहुत हॉन्ट करता है, और बहुत से रोल कुछ चीजें। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट जो किया नहीं था, अब चूंकि फिल्में ऊपर तले मेरी माशाल्लाह छोटी ईद पे आई थी, घबराना नहीं मेरा रोल उसमें क्लिक हुआ था वो हिट हुई थी, फिर आई कायदे आजम जिंदाबाद वो हिट हुई, अब ये वाली मौला जट आई है तो बहुत ही आगे चली गई। अब इसके बाद मैं कुछ आपको ना जब भी स्क्रीन पे नजर आऊंगा तो कुछ चेहरा कुछ जिस्मत चीजें बड़ी डिफरेंट करके आऊंगा इंशाल्लाह ताला। मतलब मैन इन डिस्गाइज हमें नजर आएंगे, मतलब भुलिया शुलिया चेहरा वेरा कुछ तब्दील हुआ हुआ नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज आपको डिफरेंट करके नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है ठीक है। अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे जो इंडस्ट्री का इस वक्त हाल हुआ हुआ है, लेकिन
एट द सेम टाइम ये भी काफी हद तक बात हो रही है कि वॉलेजेट के बाद अब टोटली जो है ना एक अपसेट पैदा हो गया. अब जो फिल्में बनेगी ना वो उस नेक्स्ट लेवल की बनाई जाएंगी जिसका कोई मुकाबला होगा, मगर इससे पहले इस किस्म की कोई मूवी बनी नहीं है. तो डू यू अग्री विद दिस पॉइंट कि ऐसा ही अब आप लोगों ने सीन क्रिएट कर दिया है इंडस्ट्री में? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया. अब जो भी फिल्म बनाएगा वो ये नहीं होगा कि वो चार आने की फिल्म बना के स्क्रीन पे ले आएगा और वो समझेगा कि जी 100 रुपया कमा लेंगे. उसको अब फिल्म बनानी पड़ेगी. इसने बहुत बड़ा बेंचमार्क बना दिया. अब इसको अबूर करने के लिए बहुत ही मसला होगा. लेकिन मैं तो समझता हूँ कि नाउम्मीद ही नहीं होनी चाहिए. वो भी हमारे में से एक शख्स है जिसने ये फिल्म बना दी. हम सबको कोशिश करनी चाहिए बहुत अच्छा अच्छा काम करने की, तो इंडस्ट्री फ्लरिश होगी और बेहतरीन होगी. और एक हमारी हुकूमत ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने सिनेमा और प्रोड्यूसर पे टैक्स फ्री कर दिया है. तो उसके बाद अब प्रोड्यूसर्स को सोचना चाहिए कि वो अच्छी फिल्म बनाने के लिए मैदान में उतर आए और दुनिया आपके लिए. अब जो सबसे बड़ी मार्केट हमें एक और मिल गई है वो चाइना की. इसकी डब होके चाइना में रिलीज होगी, वहां से भी वो पैसे कमाएंगे. हाँ जी, वहां पे भी चली जाएगी. लेकिन इजाज़ ये भी तो बताइए कि इस वक्त जो जमाना जो एकदम से घूमा है वो फिल्म इंडस्ट्री से एकदम से वेब सीरीज की तरफ हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है एंड इट्स बीन मूविंग वेरी फास्ट. लेकिन पाकिस्तान में अब तक इस तरह से कुछ हो नहीं रहा है. वेब सीरीज में अभी तक हमने कोई कमाल नहीं कर दिया है. हम लोग तो बड़ी मुश्किल से फॉरवर्ड लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ये वेब सीरीज कर रहा हूँ और इस वेब सीरीज की नाम है मंडी. और ये इंशाल्लाह ताला ये भी बेंचमार्क है. ये बहुत अच्छी मंडी नाम की सीरियल हम लोग कर रहे हैं जो नेटफ्लिक्स के लिए. चले जी, हम आपसे लेंगे इजाजत. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सेहत दे, आप इसी तरह कामयाबी से आगे बढ़ते चले जाएं और हमें इस किस्म के इंटरव्यूज देते चले जाएं. बिल्कुल दूंगा. आप जब एनी टाइम, आपने ये सोचना ही नहीं है, जब आपको नैयर इजाज की, आपके दोस्त की जरूरत है, वो आपके लिए हमेशा खड़ा है. और मैं दो नंबर नहीं हूँ, पीछे हटने वाला नहीं हूँ. जब भी आपको मेरी जरूरत हो आई एम विद यू. अल्लाह मियां आपको कामयाब करे, आपको खुश देखना, आपकी खुशी के लिए हमेशा मुझे खुशी होगी. आप हमेशा जियो. जिंदाबाद नवीन जी, जिंदाबाद. अच्छा, जाते जाते एक थैंक यू, बहुत शुक्रिया. टेक केयर. कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ. बस खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.